ने करीबन करीबन 1.5 से 2 महीने पहले चंद्रयान 2 नाम की एक मिसाइल लॉन्च की थी जिसे चांद पर भेजा जाना था। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रमा के एकदम नज़दीक पहुंचते पहुंचते जो हमारा जो लैंडर है जिसका नाम था विक्रम, वो असफल हुआ है। और उसके बाद से चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो या अक्षय कुमार, इन्होंने कहीं ना कहीं इसरो के इस फेलियर पर उन्हें बुरा भला नहीं कहा बल्कि उन्हें सपोर्ट किया है। जी हाँ, सभी सितारे हो बॉलीवुड के या कोई और, सभी ने सपोर्ट किया है कि इसरो ने इतनी बड़ी एटलीस्ट काम किया। भले ही सक्सेसफुल ना हो पाए हो, लेकिन आने वाले वक्त में वो ज़रूर सक्सेसफुल हुए हैं होंगे। और यहाँ पर साफ साफ शाहरुख खान ने अक्षय कुमार ने क्या बयान दिया है, चलिए आपको बताता हूँ। अक्षय ने साफ साफ कहा कि साइंस जो है वो वही बनता है साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो हम उससे आगे बढ़ते हैं या तो अगर फेल होने पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 अगर सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम चंद्रयान 3 ठीक से सही करेंगे, यानी कि हम चंद्रयान 3 को प्रॉपर तरह से लैंड करवाएंगे मून पर। अब इसके अलावा अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान ने साफ साफ कहा है कि समटाइम्स वी डोंट लैंड और अराइव एट द डेस्टिनेशन वी वॉन्ट टू, यानी कि जब हम कुछ सोचते हैं कि कभी कभी हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे, उस मुकाम पर कभी कभी हम नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुकाम हमारा आखिरी हो। और इसके अलावा भी हमें आने वाले वक्त में कोशिश करनी चाहिए भरोसे के साथ कि हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, वहीं अक्षय कुमार ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही है। और सभी ने, चाहे मोदी जी हो, चाहे फिल्म सितारे हो, चाहे क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ हो, सभी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में चंद्रयान 2 अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो चंद्रयान 3 ज़रूर सक्सेसफुल हो जाए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।